हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह के 7:10 हो गए हैं। अच्छा, मेरे ऊपर कल वीडियो बनाई थी ना निधि की उम्र, निधि की उम्र, निधि झूठी है, निधि ऐसी है, निधि वैसी है, निधि की किसी से किसी की क्यों नहीं बनती है, इस तरीके से वीडियो बनाई थी। तो चलो हम भी क्वेश्चन बोलते हैं, तेरी किसी से क्यों नहीं बनती है। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि देखिए, आप भी किसी के घर के जमाई होंगे, किसी के घर की है ना होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। तो क्या आप लोग जब जाते हो अपनी ससुराल में, तो क्या ससुराल वाले पुलिस बुला बुला के स्वागत करते हैं आपका? ये बताइए कमेंट में, मतलब बताइए मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसने खुद ये चीज बताई है, इसने खुद हर बार ये चीजें दिखाई है कि जब भी इसने खुद अपनी लाइफ में बोला था कि हाँ भाई, मैं जब भी जाता हूँ मेरी ससुराल, या तो मैं पुलिस अपने साथ लेके जाता हूँ, या फिर मैं वो लोग पुलिस बुला लेते हैं मेरे आने से पहले, मतलब इसके आने से पहले पुलिस बुला के रखते हैं अपने घर के बाहर। मतलब किस लिए? कि आप वीआईपी हो, या तो आप बहुत बड़े पर्सन हो, मंत्री हो, तो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुलाई जाती है, या फिर वो लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बुलाते हैं कि नहीं भाई, कि भाई हमारे घर का जमाई आने वाला है, भैया डर लगता है ना, डर लगता है, पुलिस बुला के एडवांस में ही रखो। तो क्यों पुलिस बुलाई जाती है अगर आपकी सबसे इतनी अच्छी बनती है, जो आप कह रहे हो मेरी किसी से नहीं बनती। चलो मेरी तो मेरे हस्बैंड के मरने के बाद नहीं बनी, उससे पहले तो बनती थी, मैं ससुराल में ही बैठी थी। आपकी तो जीती है, आपकी तो गर्लफ्रेंड अभी है ना इस दुनिया में है, आपकी उसके साथ फिर क्यों नहीं बनती? आप ये बताइए, आप मेरे ऊपर बोल रहे हो मेरी नहीं बनती किसी से। मेरी तो 2.5 साल, जिस दिन मेरे पति की डेथ हुई उस दिन भी ससुराल में ही बैठी थी। 13 दिन मेरे पति का होने के बाद मेरे को, चलो छोड़ा, वो तो दुनिया की दस्तूर है कि पति के गुजरने के बाद ससुराल वाले लात मारते ही हैं, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे सपना हो, चाहे नेहा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, आप लोगों के सामने दुनिया में है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। ससुराल वाले बदल जाते हैं, वो तो भाई दुनिया की रीत चली आई है कि ससुराल पति के साथ ससुराल होता है और माँ बाप के साथ मायका, है ना। तो मैं तो, मेरा तो चलो वो दुनिया ने, जिस लोगों ने सपने जिसके साथ जो किया वैसे ही हुआ, ठीक है, मेरे साथ भी वही चीज हुई जो होती है, कुदरती है भाई, जो हो रहा है आज के टाइम में, कि नहीं होता ससुराल पति के जाने के बाद। तो मेरी किसी से नहीं बनी, आपकी तो जीती है, आपकी तो इस दुनिया में है, ठीक है, आपकी क्यों नहीं बन रही फिर, ये बताइए, आपकी तो बननी चाहिए ना। आप अपना बताइए ना, क्यों पुलिस बुलाई जाती है, क्यों मतलब टीवी तोड़ी जाती है, क्यों मोबाइल फोन तोड़े जाते हैं, बताइए ना। आप अपनी भी तो बताइए ना, आप मेरी बता रहे हो, पहले आप अपनी बताइए कि आपकी किसी से क्यों नहीं बनती है, बताइए आपकी, आपके ससुराल वालों से क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं शादी हो रही है, ये बताइए ना। आप अपना बताइए मैटर, क्यों नहीं हो रही है? ऐसे वाइफ 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 कह देने से कोई वाइफ नहीं बन जाता, 7 फेरे लेने पड़ते हैं वाइफ बनाने के लिए, जो मैंने मेरे पति के साथ लिए थे, दुनिया के सामने है, वीडियो डालती हूँ मैं, ठीक है, वीडियो है मेरे पास मेरी शादी की, जो मैं आज भी बड़ी प्राउडली डाल सकती हूँ और दिखा सकती हूँ कि ये देखो जी, पत्नी थी, पूरी दुनिया के सामने मेरा पति मेरे गले में मंगलसूत्र पहना रहा था, सिंदूर लगाया था, वीडियो है प्रॉपर मेरे पास, जो मैं डालती हूँ, 1000 बार डाल चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ लोगों को, ये देखो मैं मेरे पति की पत्नी थी, और वो मेरे ससुराल वाले इसलिए थे क्योंकि मैं शादी करके उस घर में गई थी। आपके आप लोगों ने जो कमेंट में बता बोलते रहते हो कि हाँ भाई, इन भैया जी की वाइफ, भैया जी की वाइफ, मुझे बता दो वाइफ बनती कैसे है, कैसे बनती है वाइफ, मुझे बताओ कमेंट करके, जब सिंदूर लगाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, वाइफ तब बनती है, ठीक है, बहुत ही, वो 7 वचन जो फेरों में लिए जाते हैं ना, वो लेने पड़ते हैं समाज के सामने, प्रॉपर शादी होती है तब, तब वाइफ बनती है, ये बताइए मुझे। मेरी तो चलो ठीक है, इसलिए नहीं बन रही क्योंकि भाई पति गुजर गया, तेरी तो जिंदा है, तेरी क्यों नहीं बन रही? तू अपना बता ना कि क्यों क्यों जाता है उनके घर, जाता है तो पुलिस लेके क्यों जाता है? तू अपना बता, मेरी किसी से क्यों नहीं बनती है, इसकी इसकी ससुराल वालों से नहीं बनती? भाई मेरी तो ससुराल वालों से अभी भी फोन आ रहे हैं, मैं दिखा दूं, कल भी 5 मिस्ड कॉल आई है, वीडियो कॉल अभी भी आती है, सोच के देखो, इतना मनमुटाव हो चुका हम लोगों का, मेरी उनके साथ ना बोल चाल नहीं है, फिर भी फोन आते हैं, सोच के देखो ये चीज, इतनी लेडीज हैं जिनके साथ ये चीजें हुई हैं, आप सोचो, उसके बावजूद भी मेरा तो देखो ना, मैं यहाँ बैठी हूँ फिर भी देखो 5 मिस्ड कॉल, और अभी मेरी जो सास है वो कह रही है 10 दिन बाद वो आने को बोलने लग रही है कि दिवाली से पहले आएगी विहान से मिलने के लिए।
तो मेरा तो इतना, चलो बहुत हमारा तो बहुत लड़ाई झगड़ा हो रखा है ससुराल में, और मैं कहीं से कोई गलत भी नहीं थी भाई। ऑब्वियसली बुरा लगेगा भाई अगर निकालोगे घर से, तो बच्चे के साथ मेरा तो जो भी मैटर था, ठीक है, जो तुम लोग, वो तो जग जाहिर है, दुनिया की रीत चली आई है कि पति के जाने के बाद ससुराल किसी कौन सी बहू का हो जाता है। तो मेरा तो, मेरी तो अगर पति जिंदा होते तो मेरी तो बनी रही थी उनके साथ, ससुराल वालों के साथ, उन्हीं के घर में ही बैठती और आज भी बैठी होती अगर मेरा पति इस दुनिया में होता। तेरी तो जिंदा है, तू मत बता दे, तेरी वाली तेरे घर क्यों नहीं है ये बता, कमेंट में बता, वीडियो में बता कि तेरी वाली तेरे बच्चा जब पैदा कर सकती है तो तेरे साथ शादी क्यों नहीं कर सकती ये बता दे। मतलब बच्चा पैदा करना मुश्किल काम है किसी का, या शादी करना मुश्किल काम है मुझे बता दो भाई। शादी तो लोग बड़े चाव से करते हैं, बड़ी धूमधाम से करते हैं, बड़ी खुशियां वाली चीज होती है शादी, मुझे बता दो। फिर भी शादी, मतलब एक बच्चे को दुनिया में ले आए फिर भी शादी नहीं कर रहे तुम लोग। वो कहती है मैं करूंगी नहीं शादी इससे, मतलब क्यों भाई। वो मेरी तो चलो ससुराल वालों से नहीं बनी, मेरे तो मेरे पति से कम बन रही थी। तू तू तो अपनी वाली से बना ले, तू उसके साथ तो बना के दिखा दे ना, तू तू उसके साथ तो बना ना, जिसके 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 तुम लोग खुद क्या हो तुम ये बता दो ना। मतलब बच्चे दुनिया में ले आते हो और शादी करनी नहीं है, मतलब क्या सोशल मैसेज तुम लोग दे रहे हो दुनिया को, क्या सोशल मैसेज दे रहे हो दुनिया को, क्या सिखाना चाहते हो कि भाई बच्चे पैदा कर लो पर शादियां मत करो, नहीं शादी नहीं करनी। मतलब तुम लोग क्या ही हो यार, बोलूंगी तो फिर कड़वी लगेंगी बातें, ठीक है। मतलब उस टाइम चीजें दिखती नहीं है क्या, जब बच्चे ले आते हो इस दुनिया में तब नहीं पता चलता क्या कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, ये कैसा इंसान है। वो तो 9-9 साल साथ रह लेते हो तब नहीं पता चलता भाई, अच्छा है बुरा है कैसा है, दुष्ट है ठीक है, लड़ाकू है, किस तरीके का है। बंदा एक दिन में पहचान लेता है, पहचानने वाला 2 दिन में पहचान ले, 1 महीने में पहचान ले, और ये कौन से रिश्ते होते हैं। शादियां मेरे मेरी मेरे हस्बैंड के साथ ना कितना टाइम बात हुई थी, ठीक है, सिर्फ 6 महीने बात हुई थी। 6 महीने बाद मेरा रोका हो गया था, 3-4 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी, 9-10 महीने के बीच में हमारी शादी सब कुछ हो गया था। तो जिसको करनी होती है ना शादी, वो ऐसे शादी करता है, ठीक है, फटाफट फैमिलीज को इन्वॉल्व करता है। ये कौन सा तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका है कि भाई मतलब इतने इतने साल मतलब साथ में भी रहो, ठीक है। मतलब एक वीडियो में बोला था ना, मेरा तो बहुत पक्का हुआ रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है, ये है वो है। भाई मजबूत रिश्ता है, मतलब क्या ही बोलूँ यार, क्या ही बोलूँ मैं। अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि एक बात, आप लोग मेरे पास अपनी ऑडियंस को भेजता है मेरे बारे में बकवास करके कि दीदी तो झूठ बोलती है, दीदी तो झूठी है, दीदी ने अपनी 1 साल कम उम्र बताई, 31 31 बताती है, दीदी तो 32 की है, अभी 33 की हो जाएगी। तू अपनी भी तो बता, तू भी तो मेरे से 31 साल 1 महीने का है इस टाइम, अभी 31 का हुआ था ना, सितंबर में हुआ था, अपनी एज भी बता दे। 31 साल का हो चुका है भाई, उम्र निकल जाएगी, शादी कर लेना, मेरी तो एक बार हो चुकी शादी। बंदा 30 से पहले आज भी सोचता है कि 30 से पहले एक शादी तो कर ले कम से कम। मेरी तो सेकंड मैरिज होगी जब भी होगी, चाहे मैं आज से 5 साल बाद करूं, मेरा कोई फर्क कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मेरी कोई इनसे फर्स्ट मैरिज है, चाहे मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो अभी चलो मान लिया 32 की भी हो तो चलो कोई नहीं, अब नवंबर में 33 की भी हो जाऊंगी तो कोई नहीं। मैं अपने लाइफ में कर रही हूँ काम, मेहनत कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत वेल सेटल हो भी जाऊंगी मैं। लेकिन आप अपना देखो ना, मेरी मेरी नहीं बनती किसी से, आपकी किससे बन रही है, आप अपनी निभा के दिखाओ ना, आप अपनी बना के दिखाओ। मतलब ये कौन सा मतलब मैसेज है, साथ में रहना नहीं, हम लोग साथ है साथ है साथ, क्या हो भाई। मतलब मैं पूछूंगी, मैं बोलूंगी तो आज बातें बुरी लगेंगी, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक बच्चे को दुनिया में ले आए हो, तुम लोग कितने इररिस्पॉन्सिबल लोग हो, खुद सोचो कि भाई अगर घर मतलब कम से कम एटलीस्ट आगे का कुछ सोचो तो सही ना, तुम लोग विचार करो, शादी करो, क्यों क्यों नहीं कर रहे हो शादी, मतलब क्या ड्रामा लगा रखा है ये चीज। जब बच्चे को दुनिया में ले आए तो तुम लोगों को शादी करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तुम कितने रिस्पॉन्सिबल लोग हो, तुम ज्ञान मत दो, ठीक है, ज्ञान मत दो, ज्ञान वो लोग देते हैं जो समझदार होते हैं, ये समझदारी वाले काम होते हैं, समझदारी वाले काम होते हैं। तुम अपना देखो ना, तेरी किसके साथ बन रही है, बोल जाकर शादी तेरी बना के दिखा, अपनी बना के दिखा ना अपनी। एक बच्चे को जब दुनिया में ला सकते हो तो एक कितने घंटे लगते हैं शादी करने में, 5 घंटे 6 घंटे फेरे ही तो पड़ने होते हैं। जो इस इंसान को भाई तुमसे फेरे नहीं पड़े जा रहे, तुमसे सात सात चक्कर नहीं काटे जाते, बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्यों नहीं करते हो शादी फिर बताओ, बोलो
वाइफ है वाइफ है, भाई दुनिया को किसको फद्दू काट रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग? वाइफ वाइफ बोलने से कोई वाइफ नहीं बन जाता, पहले शादी करो तब वाइफ वाइफ बोलो, तब हस्बैंड हस्बैंड बोलो, ऐसे हस्बैंड वाइफ नहीं बन जाता कोई, शादी करो पहले, ठीक है? तो तुम अपनी बना के दिखाओ ना, तुम अपनी इज्जत से निभा के दिखाओ, तू दिखाना अपनी वीडियो में, अपनी होने वाली ससुराल जा रहा है तो बड़ी इज्जत से जा रहा है, बड़े प्यार से जा रहा है, वो बड़े प्यार से तेरे को बुला रहे हैं, रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो होता है ना निभाना। तो हम तो अब भी निभा रहे हैं, अब भी निभा रहे हैं, मेरा तो पति गुजर गया फिर भी देख लो, अभी भी देख लो, आके अभी 10 दिन बाद आ जाएंगी वो विहान की दादी। तुम करो ना, निभाओ। मतलब कहते नहीं कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। खुद का तो घर देख लो, है ना, खुद का देख लो, जिंदगी में कितनी भसड़ मची पड़ी है, लेकिन टिप्पणियां निधि की जिंदगी पे करनी है कि निधि ऐसी है, निधि वैसी है, निधि ये है, निधि वो है। भाई अपनी तो चीजें ठीक कर लो पहले। अरे और सच्चाई ये है, देखो जिसको करनी होती है ना शादी, वो कर लेता है, 6 महीने में कर लेता है, 1 साल करता है, 9 साल से साथ है, भाई शादी नहीं करनी। फिर लोग कमेंट करेंगे मेरे को, अरे उनका पर्सनल है, ठीक है उनकी पर्सनल चॉइस है, वो करे ना करे शादी। तो मेरी भी जिंदगी की पर्सनल चॉइस है, मेरी भी लाइफ की पर्सनल चॉइस है, तो मेरी लाइफ के ऊपर ये टिप्पणियां क्या क्यों कर रहे हैं? ये टिप्पणियां मेरी जिंदगी पे करेगा कि इसकी ससुराल वालों से इसकी नहीं बनी, इसकी नहीं बनी। भाई तेरी कितनी बनी, तू अपनी तो देख, ठीक है? और खुद भी कोई तू बहुत ही, ये नहीं है कि बहुत 20 साल का बच्चा हो, 31 साल 1 महीना ये तेरी उम्र है इस टाइम, ठीक है? और एज की बात करूं तो खुद ही अपनी वीडियो में बोल रहा था कुछ टाइम पहले लाइव आके कि मेरी प्रीति मुझसे उम्र में बड़ी है, निधि की उम्र की है वो। तो भाई फिर मेरी उम्र, मैं तो अभी चलो मान लिया तूने कहा ना नवंबर में 33 की हो जाऊंगी मैं, चलो मैं तो 33 की हो जाऊंगी, मैं तो वैसे भी 32 की होने वाली थी अभी, कोई बात नहीं। वैसे भी लड़कियों का तो देखो जग जाहिर है, अपनी उम्र 6 महीने साल हर लड़की थोड़ा बहुत कम बताती है, कोई इसमें मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मेरी 1 साल मैंने कम बता दी उम्र तो मेरा भूचाल आ जाएगा या तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? मेरी सास ना मेरी शादी के 2 साल 3 साल तक भी हर रोज हमेशा अपनी ये जब भी पूछो हर साल 85 बताती थी, 50 से ऊपर बढ़ती ही नहीं थी कभी भी। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा कि आपकी उम्र जब जिस दिन शादी करके आई थी तब भी 50 बता रही थी, 2 साल मेरी शादी को हो गए अब भी 50 बता रहे हो। हंसने लग गई। तो कोई बात नहीं, देखो लेडीज का रहता है, ठीक है? कहते हैं ना लेडीज से कभी उसकी उम्र मत पूछो, तो चलो कोई बात नहीं, तू तुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है उम्र में, तो तू भी कोई इंसान 20 साल का बच्चा है, 31 साल 1 महीने ये तेरी उम्र है, ठीक है? अगर मैं मेरी उम्र 32 साल 11 महीने है ना इस टाइम, तो तेरी भी 31 साल 1 महीने है, और तेरी प्रीति की उम्र मेरी उम्र की जितनी है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि एज शेमिंग तो बिल्कुल भी कुछ करनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि देखो उम्र तो देखो सबको धीरे धीरे टाइम के साथ बूढ़ा ही होना है, टाइम के साथ उम्र सबकी बढ़ेगी, किसी की घटनी तो है नहीं, ठीक है? कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप अब 20 की हो जाऊंगी या 25 की हो जाऊंगी, जितनी उम्र है उतनी ही रहेगी उम्र, तो टाइम के साथ उतनी बढ़ती है। बट ये रहता है कि इंसान टाइम के साथ अपनी उम्र को जस्टिफाई करे, मेहनत करे, कामयाबी हासिल करे, तो उम्र में बूढ़ा होना भी अच्छा लगता है। बूढ़ा होना भी कोई बुरी बात नहीं होती है, कोई इंसान 40 का है और उसने बहुत कुछ अचीव किया है ना जिंदगी में, तो उसकी 40 की उम्र भी बढ़िया है। और कोई बंदा ऐसा हो 40 का और उसने कुछ भी अचीव ना किया हो, कुछ अपनी लाइफ में हासिल ना किया हो, तो उस 40 की उम्र का वो करेंगे क्या, ये बता दो। फिर तो वही है ना, इंसान 40 का हो या 50 का हो क्या फर्क पड़ता है? तो भाई अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो, ये मेरा उस बात के लिए जवाब है जो इसने कमेंट में लिखा ना, इसकी किसी के साथ नहीं बनती। तो मेरा ये कमेंट है कि इसकी किसके साथ बनी है? अगर इसकी इतनी ही बनती है तो इसकी प्रीति ने ये कमेंट क्यों किया कि मैं इसे शादी नहीं करूंगी? क्यों नहीं करेगी शादी? अगर तेरी तो बहुत अच्छी बननी चाहिए थी ना, अपनी वाली के साथ बना के रख, ठीक है? फिर तो शादी होनी चाहिए थी ना तुम लोगों की, मतलब बच्चा भी आ गया तब तो फिर तो 100% शादी होनी चाहिए थी। फिर भी शादी, मतलब वो सिंगल पेरेंट बन के रहना चाहती है अपनी जिंदगी में, पर तेरे साथ शादी नहीं करना चाहती, तो सोच के देख फिर वो, मतलब तेरे में इतनी कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होंगी, है ना, तेरे अंदर कितने अच्छे अच्छे ऐसे गुण होंगे कि मतलब एक लड़की तो भाई मजबूर हो जाती है, अगर मान लो मेरा अगर बच्चा हो जाए ऐसे बिना शादी के, और वो लड़का सामने वाला तैयार हो शादी के लिए कि मैं तेरे को शादी करने को तैयार हूँ,
मैं तो भाग के करूं भाई, ये सोच के कि चल मेरी इज्जत ढकेगी समाज में, दुनिया में मेरे बच्चे को फादर का नाम मिलेगा, मैं तो भाग के करूं ये सोच के कि यार मैं तो करनी ही पड़ेगी अब तो मुझे शादी। बट सामने वाली फिर भी मना कर रही है कि ना मैं फिर भी नहीं करती तेरे साथ शादी, मतलब एक बच्चा भी हो गया उसके बावजूद भी मना कर रही है तेरे साथ शादी करने में। मतलब उस मतलब इंसान कितना भी मजबूर हो, किसी भी सिचुएशन में हो, फिर भी शादी करने को तैयार नहीं है। सोच के देखो ना, तेरे से फिर भी नहीं मना क्यों कर रही है वो हमारे सामने। मैं कोई झूठी बनाई बातें तो नहीं कर रही हूँ ना, लाइव में आके उसी ने कॉमेंट किए थे कि तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। मतलब बच्चा हो गया फिर भी वो तेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं है, बच्चा हो गया फिर भी तेरे ससुराल वाले तेरे लिए पुलिस बुला रहे हैं तब भी। देखो ये ऐसे, हाँ बेटा, तो इस चीज से मतलब देखो इसने खराब कर दी इतनी देर में थोड़ी सी। अरे दबी दुबी थी, तूने छेड़ी ना, ला दे इसका ढक्कन दे। तो हाँ दे, तो इस चीज से मुझे भी बताओ, ठीक है खुद के घर शीशे के हैं तो अपने घरों को संभाल लो, दूसरों के घरों पे पत्थर मत मारो, ठीक है कि इसके ससुराल में वाले अच्छे थे, ये थे, वो अच्छे थे, वो थे, ठीक है अपना देख लो पहले, ठीक है दूसरों के ऊपर ऐसे टिप्पणियां मत करो। मेरी तो मेरी किस्मत ने मेरे साथ ये चीजें करी हैं, ठीक है मेरे पति अगर इस दुनिया में होते तो मैं तो वहीं पर ही थी, ससुराल में ही थी, ठीक है। ठीक है जी, चलो एंड करती हूँ। ये तो मेरी एक वीडियो का जवाब है इसकी, इसकी जो एक वीडियो आई थी ना जिसमें इसने बोला कि इसकी किसी के साथ क्यों नहीं बनती अगर ये इतनी अच्छी है, तो मेरे को जवाब देना था कि भाई तेरी किसके साथ बनी है तू अपना देख पहले, ठीक है। तो एक पहली वीडियो का जवाब आ गया, अभी जो सेकंड वीडियो इसने डाली है उसका जवाब मैं अभी दिन में लाती हूँ, ठीक है जी एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।